हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 फोकस कर रहे हैं और 3 लेक्चर्स मैं इसके ऑलरेडी पहले ले चुकी हूँ। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, सो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी एड। सो टैक्सोनॉमिकल अगर स्टडी की बात करें, हम बहुत सारी स्पीशीज हैं प्लांट और एनिमल्स के। कुछ ऑर्गेनिज्म यूजफुल है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और इन जनरल, नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डायवर्सिटी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो अगर हम लोग फंडामेंटल कैटेगरी की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाइड करते हैं। सो यहाँ पे ये जो टैक्सोनॉमिकल एड है, ये एक फंडामेंटल है फॉर द स्टडीज एंड ट्रेनिंग इन द सिस्टमैटिक्स। और इसका क्या यूज है, इट इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज किए जाते हैं। ओके, सो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट हर्बेरियम स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हर्बेरियम होते हैं ये एक स्टोर हाउस होते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन के, जिनको कि हम लोग पहले ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और फिर शीट में प्रिजर्व करते हैं। तो ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व, डीपीपी, ठीक है। आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे डीपीपी वाला, कि हम लोग पहले ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और फिर प्रेस करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं हर्बेरियम के पॉइंट को डिस्कस करने के बाद, हम लोग आगे चलेंगे और आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर में हम लोग आज ही कंटिन्यू करेंगे आगे का हर्बेरियम के बाद का कंटेंट, क्योंकि हर्बेरियम के जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में प्लांट्स की बात आती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, हर्बेरियम शो भी किया गया एनसीईआरटी बुक में कि एक सिस्टम बनाया गया है। दीज आर द स्पेसिमेंस, बेसिकली व्हाट आर दीज, दीज आर द स्पेसिमेन अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन भी है इनका हर्बेरियम शीट्स पे, कि कौन सी फैमिली के हैं। मैंने आपको पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का बताया था, डोमेन से स्टार्टिंग की थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो यदि कोई स्पीशीज, मान लीजिए हमने कोई भी स्पीशीज होमो सैपियंस, सपोज हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो होमो सैपियंस हम लोगों ने लिया सपोज, तो हमें इसका क्या जीनस है, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, सारा कुछ डेटा मिल जाएगा। हालांकि यहाँ हम ह्यूमन बींग्स को हर्बेरियम में नहीं रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने रोज का प्लांट ले लिया, तो रोज इसी फैमिली को बिलोंग करता है, रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, तो सारा कुछ डिटेल, सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं वो लेबल को कैरी करती है, जिनमें डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया आपने, गार्डन से कलेक्ट किया कि कहाँ से किया, उनका इंग्लिश और उनका लोकल नेम, बोटैनिकल नेम, सारा कुछ होता है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन, अचानक से आपको अगर रेफर करना है तो आप टैक्सोनॉमी कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। आगे के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बोटैनिकल गार्डन, और बोटैनिकल गार्डन्स बेसिकली क्या होते हैं, उसके बाद म्यूजियम्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो म्यूजियम्स और बोटैनिकल गार्डन की अगर बात करें, तो बोटैनिकल गार्डन नाम से ही पता चल रहा है, बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब भी बॉटनी वर्ड आया आप तुरंत समझ जाइए प्लांट से बात हो रही है। तो ये एक स्पेशलाइज गार्डन है जहां पे बहुत सारे लिविंग प्लांट्स होंगे रेफरेंस के लिए, और इन गार्डन्स में प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, और हर एक प्लांट में लेबलिंग करी जाती है बोटैनिकल साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली। जो बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं वो कुछ फेमस बोटैनिकल गार्डन है, जैसे कि इंग्लैंड में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन है, हावड़ा है इंडिया, और इंडिया में अगर मैं यूपी में बात करूं तो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI में, जहां पे बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी रिसर्च हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे चलते हैं, म्यूजियम। यदि मैं म्यूजियम की बात करूं तो म्यूजियम भी क्या है, एक कलेक्शन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जनरली सेटअप किए जाते हैं सच एज स्कूल और कॉलेज में। म्यूजियम में कलेक्शन होता है प्लांट और एनिमल दोनों का। कई बार आपने जू वगैरह में भी देखा होगा म्यूजियम, तो स्पेसिमेन को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर में या जार में। कई बार आपने देखा होगा अपनी बायोलैब में आपको बहुत सारे स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल जो स्पेसिमेन है उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं ड्राई स्पेसिमेन की तरह,
एंड द इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, किल करने के बाद और पिन करके हम उसको लगा देते हैं. लार्ज एंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व. म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स. स्केलेटल सिस्टम भी आपने कई बार म्यूजियम्स में देखा होगा. तो हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है म्यूजियम के बाद वो आता है जूलॉजिकल पार्क्स का. जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, बहुत ही अच्छा फिगर है ये एनसीईआरटी बुक का. पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स का दिखाया गया है व्यू यहाँ पर. और यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ऑल द एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. का मतलब होता है उनका एड्रेस, जिस लोकेशन पे वो रह रहे हैं पर्टिकुलर एनिमल. जैसे कि आप देख रहे हैं ये एनिमल का हैबिटेट अलग है, इसका हैबिटेट अलग है, इसका हैबिटेट अलग है और इसका हैबिटेट अलग है. सो हम लोग चिल्ड्रन लव टू विजिट दीज प्लेसेस और उसको हम लोग जू बोल देते हैं. और यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन केयर, इन लोगों को जू में प्रॉपर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होता है जो इनकी टेक केयर करते हैं. दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड दे विल इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. उनके बिहेवियर को समझने के लिए हमें चीजें देखने को मिलती हैं. लास्ट पॉइंट हमारा की है इसमें. व्हाट इज की? तो की इज दूसरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिकल एड है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जी, विच इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. और इस की का बेसिक यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जो की होती है वो बेसिकली यूज की जाती है करेक्टर्स जनरली ऑन पेयर कॉल्ड कपलेट. दिस रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन. दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लेट. सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस. की जो है वो जनरली एनालिटिकल है नेचर में. अगर हम लोग बात करें फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, ये दूसरे मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है और हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में. और जो फ्लोरा है बेसिकली वहां पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ अकाउंट होता है हैबिटेट का, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का. और ये प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज, उस एरिया में कितनी प्लांट स्पीशीज, कौन सा इंडेक्स नंबर है उनका. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज विच इज फाउंड इन दैट एरिया. सो यहाँ के मोनोग्राफ जो होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पर्टिकुलर टेक्सॉन का. मोनोग्राफ टर्म आप यहाँ पे की पॉइंट है. तो की भी एक टेक्सोनॉमिक एड है, हालांकि इतना कॉमनली हम लोग नहीं यूज करते हैं की को. तो ज्यादातर यूज होने वाले जो टर्म्स है वो मैंने आपको बताए, जैसे कि हर्बेरियम था यहाँ पर और भी बहुत सारे टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने वन बाय वन अभी डिस्कस किया. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होने वाली है, इसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे. और एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, सो होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. कल मैं दोबारा मिलूंगी इसी उम्मीद के साथ. मैं अभी जाती हूँ और आप लोग अपना ख्याल रखिए. टेक केयर, बाय बाय, लव यू.